हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीता केकरी एंड फूड्स में। देखिए दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं ये टमाटो पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी होती है। सबको पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को। इसे आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बना लेते हैं हम फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए, हमने तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। इसी में एक चम्मच घी डाल देते हैं। यहाँ पे तेल और घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसी में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा ले लिया है और इसी में मैं 10 से 12 खड़ी काली मिर्च डाल देती हूँ। अब इसी में मैं ये 4 से 5 लवंग और 3 छोटी इलायची और ये 2 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 तेज़पत्ता इसी में ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये 2 सूखे मिर्च भी इसी में डाल देती हूँ। और यहाँ पे हम ये बड़ा 2 प्याज कट करके रखे थे इस तरह से, वो भी डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कट करके रखा था, वो भी इसी में ऐड कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे प्याज का कलर ये कुछ हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्याज हमारा भुन चुका है। अब इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे हमने ये अदरक लहसुन भी अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 किलो चावल लिया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 किलो टमाटर ली हूँ। हम टमाटर पुलाव बना रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमें टमाटर ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो टमाटर लिया है। अब इसे हम अच्छे से भून लिए हैं। अब इसी में हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मटर ली हूँ और 1 आलू इस तरह क्यूब में काटा है वो ले लिया, और इस तरह पतले पतले कटे हुए मैंने यहाँ पे गाजर ले लिया है 1/2, उसे भी इसी में ऐड कर लिया। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकती हैं। अगर आपको सब्ज़ी नहीं डालना है, सिर्फ टमाटर पुलाव डाल के बनाना है, तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, सब्ज़ियाँ स्किप कर सकते हैं। बट सब्जियां डालेंगे तो हमारा पुलाव और भी बढ़िया लगेगा। तो मैंने यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच इसी में हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच ये लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ा इसी में हम बड़ा भर के 1 चम्मच ये बिरयानी मसाला ऐड किए हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी खूब बढ़िया पक के रेडी है। तो इसमें अब हम ये दही ऐड कर लेते हैं और इसी में हम ये पुदीने के पत्ते भी ऐड करेंगे और ढेर सारा हम इसमें धनिया डाल देंगे। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ भी पक चुकी हैं और टमाटर भी खूब अच्छे से गल चुका है, मसाले भी यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल को 20 मिनट पहले धो के इस तरह से रख दिया था सोख होने के लिए, तो इसे भी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं।
अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, हमने सब्जियों के साथ चावल को भी कितनी अच्छी से भून लिया है। चलिए दोस्तों इसमें अब हम पानी ऐड करते हैं। तो इसी बाउल से मैंने इसमें 1.5 बाउल पानी ऐड कर लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे इसे हम इसी तरह फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं इसे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ये पुलाव पकने लगा है दोस्तों। तो इसी तरह हम इसे फुल फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो यहाँ पे पुलाव का पानी सूख चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो करते हैं और फिर से इसे ढक के 4 से 5 मिनट फिर से हम इसे पका लेते हैं। देखते हैं हमारा पुलाव कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पुलाव कितना बढ़िया बनके रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप भी टमाटर पुलाव बनाइए, ये बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, आप भी ट्राई करिए इस तरह से। इसे हम इसी तरह 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टमाटर पुलाव रेडी है, हमने यहाँ पे सर्व किया है। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप भी इस तरह से बना के खाइए, अपने फैमिली को बना के खिलाइए और उन्हें खुश करिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह आप सबके लिए नए नए रेसिपी लेके आते रहूं, आप सबके साथ शेयर करते रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।